हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। और प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस का होता है, और अगर प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, जब तक किसी किए गए कार्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक आप नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन तभी आएगा जब वहाँ पर कोई कार्य हो, बिना कार्य हुए वहाँ ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे देखेंगे, अब अगर एज आया है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कह रहा है कि वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन भरना है कि हमने उतने स्कोर किए जितने कि उन्होंने, क्या कह रहा है, हमने जितने स्कोर किए उतने उन्होंने। तो अब उन्होंने कह रहा है तो उन्होंने क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। तो कर्ता हो गया तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि कर्ता कारक कौन सा ऑप्शन है। तो कर्ता कारक में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन कौन सा मिलेगा, दे। बाकी देन तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, देयर पोजेसिव केस है, और इसका यूज यहाँ पे हो नहीं सकता। फिर कह रहा है कि रामा एंड आई वर डूइंग डैश वर्क। अब यहाँ पूछा है कि भाई यहाँ बताइए कि कौन सा प्रोनाउन आएगा। तो सीधा सीधा अर्थ आ रहा है कि रामा और मैं अपना काम कर रहे थे, तो रामा और मैं दोनों के लिए हमें लगाना है प्रोनाउन। तो दोनों के लिए प्रोनाउन लगाएंगे तो एक नियम है कि जो सबसे छोटा प्रोनाउन होता है उसी का प्लूरल रूप यूज़ करते हैं। भाई अगर आई की बात होती है अकेले तब तो यहाँ पर माई आ जाता, लेकिन यहाँ पर दो की बात हो रही है, रामा की बात हो रही है और आई की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर जो है दोनों प्लूरल हो गए, तो आई का माई हो नहीं सकता, तो आई का भी प्लूरल हमें रूप लिखना पड़ेगा। आई का प्लूरल रूप हमारा क्या होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि रामा एंड डैश वर प्रेजेंट। क्या कह रहा है, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट। अब पूछ रहा है यहाँ प्रोनाउन किस रूप में आएगा, तो भाई वर्ब के पहले आ रहा है, तो वर्ब के पहले आएगा तो कौन सा केस रहेगा, हमारा नॉमिनेटिव केस रहेगा। तो नॉमिनेटिव केस आपको देख लेना है कि नॉमिनेटिव केस कौन सा हमारा है, आई। तो आई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कैन यू सिंग एज वेल एज डैश। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन दिया गया, दे देम हिम मी। यहाँ भी वही सेम चीज़ है, तो कह रहा है कि क्या तुम उतना अच्छा गा सकते हो जितना कि वे। तो वे का मतलब क्या, मतलब यहाँ जो प्रोनाउन आएगा उसके लिए भी क्या है, वो कर्ता के लिए यूज़ हो रहा है कि ये भी गा रहे हैं तुम भी गा रहे हो, और तुलना किससे हो रही है, उनके गाने से। तो वो भी क्या हो गया, गाना गा रहे हैं तो कर्ता हो गए, तो कर्ता हो गए तो यहाँ भी कौन सा प्रोनाउन हमारा आएगा, नॉमिनेटिव केस का, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट फॉर हरी एंड। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, कोई भी अगर प्रीपोजिशन हमारा यूज़ हुआ है तो उसके बाद हमारा जो आएगा प्रोनाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो फॉर आया है, फॉर प्रीपोजिशन है, इसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है कि हमारा कौन सा आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इट वाज डैश दैट गेव यू द अलार्म। कह रहा है कि इट वाज डैश, अब इट इज़ और इट वाज दोनों को याद रखेंगे, इट इज़ और इट वाज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन मतलब कर्ता कारक को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कर्ता कारक हमारा कौन सा है, आई है, तो कहा जाएगा आई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।